जय हिंद एवरीवन, दिस इज आदित्य दुबे, योर कम्युनिकेशन स्किल्स कोच। और आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके डे वन से ही उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही वीक है, तो सबसे पहला मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको उन मोमेंट्स को याद करना चाहिए जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। लाइक यू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स, यू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद योर फ्रेंड्स, यू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद योर टीचर्स, एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ। सो कम्युनिकेशन मीन्स अपने आइडियाज़ को दूसरे को कन्विंस करना। लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है अपनी बात को कन्वे करने का, वो आपको मिलता है जब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को रियलाइज करते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डू यू रियलाइज योर ओन कम्युनिकेशन स्किल्स? इफ येस देन डू मेंशन इट, एंड इफ नो देन डू मेंशन व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव एंड व्हाट लेवल ऑफ हेजिटेशन यू हैव। वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप लैंग्वेज लर्निंग कर रहे होते हैं तो आप लैंग्वेज को प्रैक्टिकली उसे लर्न करने के साथ साथ यूज़ करना शुरू करें। किसी भी आर्ट को परस्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका परफॉर्मेंस और उसका प्रिपरेशन साथ साथ चले। आपने ध्यान दिया होगा, स्विमिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, जितनी भी आर्ट्स हैं, इन सभी आर्ट्स में आप एक तरफ परफॉर्म करते हैं, दूसरी तरफ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कई बार इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी कमांड लाने वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सीधा सोचते हैं कि जब हमारा कमांड अच्छा हो जाएगा हम तभी बोलना शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से ये गलत अप्रोच है। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने एक्सपीरियंसेस आपके डिवेलप होंगे, और उन फीडबैक पे जब आप वर्क करते हैं तो आपको ऑब्वियसली एक अच्छा फील आएगा और आपको लगेगा कि हमने जो क्राइटेरिया अपना बनाया था उस पर हमने सक्सेस पाई है। और इंटरेस्ट कैसे आए, ये एक बड़ा मुद्दा है। जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आता है उन चीज़ों को हम हमेशा सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है जब आप थोड़ा परफॉर्म करते हैं और एप्रिसिएशन आपको मिलता है। जैसे ही आपको एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है, वैसे ही आपको और इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है और आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग में, न्यूज़पेपर रीडिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने में, आपको एंजॉयमेंट फील होने लग जाता है। एंड दूसरा स्टेप, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फीडबैक एंड स्टार्ट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस लेवल। ये दो टिप्स आपको बिल्कुल एक एग्जीक्यूटर बना देंगे, क्योंकि हम प्लान तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स तो तभी आते हैं ना जब उन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो जब आप एग्जीक्यूशन मोड में आ जाते हो, जब आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि भाई प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस साथ साथ चलना है, और परफॉर्मेंस के बाद जो फीडबैक मिलता है, जो रिव्यू मिलता है, उसे मुझे इम्प्रूव करना है, तो ये आपको एक वर्किंग मोड में ले आएगा। एंड मेरा तीसरा सजेशन जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगने वाला है वो ये है, टॉक टू योरसेल्फ। यस, यू हैव योर ओन आइडियाज़, एंड वेन यू कम्युनिकेट विद समवन यू रिक्वायर योर ओन आइडियाज़, यू डोंट रिक्वायर दोज मग्ड अप आइडियाज़। तो आप खुद से बात करें, आपके मन में जो खुद के सेंटेंसेस चलते रहते हैं, खुद का जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है, आप उनके सेंटेंसेस की इंग्लिश ज़रूर बनाइए। क्योंकि जब आप उनके सेंटेंसेस, जो आपके थॉट प्रोसेस के सेंटेंसेस हैं, उनकी जब आप इंग्लिश बना लेते हैं तो आपको और इंटरेस्ट आता है, एक अंदर से फील आता है कि येस आई नो दिस थिंग वेरी वेल, येस आई कैन कन्वे माई ओन थॉट्स टू अदर्स, एंड वेन यू स्टार्ट कन्वेइंग यू फील दैट चेंज। तो ये थी मेरी तीसरा स्टेप जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और डे वन से ही आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। आप छोटे छोटे अपने प्रेजेंटेशंस बनाइए, जैसे मैं आपको इसी वीडियो में चैलेंज दे रहा हूँ, इन प्रेजेंटेशंस पे आप वर्क करिए। आप खुद बताएंगे कि सर वास्तव में मेरे अंदर चेंज आया है और अब मुझे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भरोसा हो गया है। और एक बार भरोसा हो जाता है तो फिर आपका लर्निंग भी होता रहता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको बेसिक टॉपिक से शुरू करना है। जैसे
आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका डेली रूटीन, आपके फैमिली के बारे में, आपके एकेडमिक्स के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके रोल मॉडल के बारे में, आप इन बेसिक टॉपिक्स के प्रिपरेशन करिए, लिखिए और लिखने के बाद इन्हें प्रेजेंट करिए। मैंने इन टॉपिक्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये टॉपिक्स आपकी लाइफ के खुद के टॉपिक्स हैं। जैसे मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताना है तो आई डोंट नीड टू रेफर टू एनी बुक और आई डोंट नीड टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, आई नो दीज थिंग्स माई सेल्फ एंड ये जो लाइनें आएंगी ये मेरे दिल से आएंगी। किसी ने मेरे डेली रूटीन के बारे में पूछा तो क्या होगा, मैं अपना डेली रूटीन बहुत ही मस्त तरीके से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, इंटरेस्ट लेके बताऊंगा। तो अभी आइडिया ये है फोर्थ नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि बेसिक टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप बेसिक टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करते हैं आपको एक लय मिलना शुरू हो जाती है, एक रिदम मिलना शुरू हो जाता है और वो रिदम ये है कि आपको लगने लगता है कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया है, लोग मुझे सुनने लगे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे हैं और अब मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड अच्छा है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ यूज़ फॉर्मल इंग्लिश, ये मेरा फिफ्थ नंबर पॉइंट है। आप फॉर्मल इंग्लिश का प्रयोग करिए। फॉर्मल इंग्लिश का मतलब है हंसी मजाक वाली इंग्लिश को अवॉइड करिए। मैंने बहुत से बच्चों को इंग्लिश बोल करके हंसते हुए देखा है। अब जब वो इंग्लिश बोलते हैं और खुद हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सीरियस नहीं है और जब आप किसी चीज़ में सीरियस नहीं होते हैं तो सिंसियरिटी बिल्कुल नहीं होगी और सिंसियरिटी जब नहीं होगी तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो जो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं कोशिश करिए आप उसको फॉर्मली प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि मतलब यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव। व्हाई यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव? बिकॉज यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट मेकिंग पॉइंट्स, यू आर नॉट एग्जैक्टली ऑब्जर्विंग वेयर यू नीड टू इम्प्रूव मोर। तो आपको इस पर ध्यान देना है, यूज़ फॉर्मल इंग्लिश। एंड सिक्स नंबर पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोनाउंसिएशन, जो कि लैंग्वेज की ब्यूटी है। अगर आप फॉर्मली बोलते हैं तो आप ऑब्वियसली अपने लैंग्वेज में आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क कर पाएंगे। आपको डिफरेंस पता चलेगा कि अदर्स हाउ दे प्रोनाउंस एंड हाउ आई प्रोनाउंस। जब आपको ये पता चलने लग जाता है तो आप अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं। सो गाइज, फॉलो दीज सिक्स टिप्स टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग, टू हैव अ बेटर प्रोफिशिएंसी इन योर लैंग्वेज एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स। Very soon we are going to announce our spoken English batch. You will have that announcement as well as you will also have an offer for you. So stay tuned with us. Wish you all great success in your persuasion of art. Thank you. Jai Hind.